नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 नवंबर 2024, और 9 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में भारत का सबसे शीर्ष संस्थान। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। और चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे, पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे पूरे फैक्ट के साथ में। आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप को सब्सक्राइब करें, और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो आज की क्लास बड़ी गजब की रहने वाली है, और मुझे तो लगता है भी आज की क्लास से ही आने वाले एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए आज की क्लास गजब तरीके से, अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को याद है कर लेना। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। जापान के वैज्ञानिकों ने किस नामक लकड़ी के सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में लकड़ी की संभावनाओं का परीक्षण करना। तो इसका नाम था लिग्नोसेट। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा, 2023 तक। पंजाब के जालंधर की रेचल गुप्ता ने किस प्रतियोगिता का खिताब 2024 में जीतकर इतिहास रचा, तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता है। सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूटआउट में हराकर कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। भारत के लिए ओलंपिक खेलों की मेजबानी का पहला मौका किस वर्ष होगा, 2036 में। 1 नवंबर 2024 को आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किस योजना की शुरुआत की, दीपम 2.0 योजना। स्कैम से बचो नामक राष्ट्रीय उपयोगकर्ता जागरूकता अभियान का शुभारंभ किसने किया, संजय जाजू ने। रॉयल एनफील्ड ने अपनी कौन सी बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक वाहन ब्रांड का अनावरण किया, तो फ्लाइंगे फ्लाई एरिया। तो ये है कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है, और आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए क्लास, 20 मिनट तक हो सकती है, लेकिन बड़ी गजब की क्लास आपके लिए रहने वाली। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न, पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है। पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है पूर्वी लद्दाख के अंदर, है देवसांग और देम चौक। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, जो जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्वी लद्दाख का जो इलाका है वहां पर दो स्थान पड़ते हैं, देवसांग और देम चौक। वहां पर पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास की शुरुआत हो चुकी है। तो कौन सा पूर्वी लद्दाख के अंदर पूर्वी प्रहार सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। ये 10 दिनों तक ये अभ्यास चलेगा। कितने दिनों तक है, 10 दिनों का ये अभ्यास है जो चलेगा। देखो प्रारंभ तिथि 8 नवंबर 2024 से, इसकी अवधि रहेगी 10 दिन, चलेगा। और इसका जो संपूर्ण त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है वो रहेगा। इसका उद्देश्य परिचालन समन्वय को बढ़ाना और लड़ाकू तत्परता का आकलन करना, ये इसका उद्देश्य है। और प्रसंग यह है कि हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच विघटन के बाद में ये पूर्वी सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। तो याद रखना, भारतीय सेना और जो वहां की जो चीनी सेना है ना, उसके विघटन के बाद में यहाँ पर वो अभ्यास किया जा रहा है। तो कौन सा अभ्यास है, पूर्वी सेना अभ्यास है, ये पूर्वी प्रहार अभ्यास है जो पूर्वी लद्दाख के अंदर आयोजित किया जा रहा है। अगला, क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे उच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है। ताजा इसकी रैंक आई है, भी अभी हाल ही में कल ही रैंक आई है। तो क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का सबसे उच्च रैंक वाला संस्थान कौन सा है, तो अब की बार सबसे टॉप पर आया वह एशिया के अंदर आईआईटी दिल्ली। कौन सा रहा है, आईआईटी दिल्ली सबसे तो ये टॉप पर रहा है। अब देखो इसकी पूरी डिटेल, तो भारत की शैक्षणिक स्थिति क्या है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2025 में भारत के 161 विश्वविद्यालय शामिल हैं। कितने विश्वविद्यालय हैं, 161 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जो एशिया के 983 संस्थानों में से एक महत्वपूर्ण संख्या है, जो भारत के शैक्षणिक विकास का स्पष्ट
प्रमाण है, यानी कि टोटल 161 विश्वविद्यालय, और एशिया के टोटल संस्थान कितने हैं, 984 संस्थान है। इसके अलावा रैंक देखें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आईआईटी दिल्ली टॉप पे है, उसके बाद में आईआईटी बॉम्बे और फिर आईआईटी मद्रास शीर्ष तीनों स्थानों पर है, जो भारत की शैक्षणिक उत्कृष्टता को दर्शाता है। तो आईआईटी दिल्ली की रैंक आपसे पूछे तो 44वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, जो भारत का उच्च सबसे उच्च संस्थान है ये, ठीक है। तो याद रखना आईआईटी दिल्ली जो सबसे 44वें स्थान पर है, सबसे ऊंचे स्थान पर। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे 48वें स्थान पर है, जो इसे भारत के प्रमुख संस्थानों में महत्वपूर्ण माना गया है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब इसके अलावा जो टॉप है, टॉप कौन है 2025 में एशियाई विश्वविद्यालयों के अंदर, चीन का सबसे टॉप पर है वो है बीजिंग, ये पेकिंग विश्वविद्यालय, ये है चीन का सबसे टॉप है। और उसके बाद में है सिंगापुर का है हांगकांग विश्वविद्यालय, जो सिंगापुर का सबसे टॉप पर है। तो पेकिंग विश्वविद्यालय सबसे टॉप पर, उसके बाद में हांगकांग, अगर अपने भारत के अंदर बात करें तो आईआईटी दिल्ली 46वें स्थान पर है। तो ये तीन चीजें याद है, रख लेना अच्छे तरीके से। जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिम सेट टू किस देश से लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिम सेट टू ये किस देश से लॉन्च किया, तो वो किया है रूस देश से। ऑप्शन नंबर बी, ये देखो तस्वीर में, रूस देश से जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिम सेट टू लॉन्च किया है। अब देखो डिटेल, उपग्रह का नाम आपसे पूछे तो जिम्बाब्वे ने अपना दूसरा उपग्रह जिम सेट टू रूस के वोस्तोचोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया है। ये कई बार मैंने नाम बताया भी, जैसे अपने भारत के अंदर श्रीहरिकोटा है ना, इसरो द्वारा लॉन्च होता है, वहीं पर रूस का एक स्थान है वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से, वहां से इस उपग्रह को जिम सेट टू को लॉन्च किया गया। उद्देश्य ये होगा कि जिम सेट टू में एक उच्च रिजोल्यूशन मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा लगाया गया है, जो कृषि संसाधन अन्वेषण और पर्यावरण निगरानी और आपदा प्रबंधन में ये सहायक होगा। तो अलग अलग कृषि संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित ये जानकारी देगा। इसका जो पहला उपग्रह है वो नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिम सेट वन के सफल प्रक्षेपण के बाद में भेजा गया। तो ये देखो जिम सेट वन है वो नवंबर 2022 में, और अब ये जिम सेट टू को लॉन्च किया गया है। इसका महत्व, जिम सेट टू जिम्बाब्वे के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी में निरंतर प्रगति को दर्शाता है। याद रखना रूस के वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से इसको लॉन्च किया गया। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी कब दी है? प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी कब दी? तो ये दिया 6 नवंबर 2024 को। ऑप्शन नंबर एक है, कब दी है 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। एग्जाम के लिए आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बनेगी योजना। मेन मुख्य उद्देश्य याद रखना है कि इस योजना का उद्देश्य है कि मेधावी छात्रों को, क्या है, मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। देखो अलग अलग योजना वगैरह होती है, जितने भी आजकल छात्र वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनको हर तरफ से सरकार से उनको सहायता मिलती है। इसका परिव्यय 2024-25 से 2030-31 तक होगा, 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। आवेदन योग्य संस्थान कौन से हैं? तो योजना के अंतर्गत छात्रों को भारत के टॉप 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने पर निर्णय मिलेगा, यानी कि जो छात्र है ना वो भारत के अगर सिर्फ 860 गुणवत्ता वाले उस संस्थानों में अगर दाखिला लेंगे तो उनको ऋण भी मिलेगा। इसके अलावा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसरों को और अधिक सुलभ बनाएगी, विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जिनके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है, यानी कि जिनके पास गरीब वगैरह है, अर्थव्यवस्था कमजोर है जिन छात्रों की, तो उनको क्या इस योजना का लाभ है मिलेगा। 2024 में रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2024 का रोहिणी नायर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये अब की बार दिया गया अनिल प्रधान को। ऑप्शन नंबर बी, किसको दिया गया? अनिल प्रधान को अब की बार 2024 का रोहिणी नायर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो अनिल प्रधान को 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया, जो भारत में ग्रामीण विकास में उनके प्रभावशाली योगदान को मान्यता देता है। रोहिणी नायर पुरस्कार उन युवा नेताओं को सम्मानित करता है जो भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं, जिनकी आयु 40 वर्ष से
कम है, यानी कि उसी को फायदा मिलेगा, उन्हीं युवाओं को ये पुरस्कार मिलता है जो ग्रामीण विकास में अपना उल्लेखनीय कार्य करते हैं, लेकिन उनकी उम्र 40 से कम है होनी चाहिए, तभी उनको ये पुरस्कार है मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन कहां पर है? ये बिहार के अंदर है, ध्यान रखना। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस स्थान के सम्मान में बदलने की घोषणा की गई है? ये देखो, तस्वीर में सुल्तानगंज लिखा हुआ है और यह कहां पर? बिहार के अंदर है। अब इसका नया नाम बदलने जा रहा है, तो इसका नया नाम हो जाएगा अजयबीनाथ धाम। क्या हो जाएगा? अजयबीनाथ धाम इसका नाम है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी बिहार के अंदर है, और इसका नाम क्या कर दिया जाएगा? वह अजयबीनाथ धाम है कर दिया जाए, क्योंकि यह एक हिंदू पवित्र स्थल है ये। तो नाम परिवर्तन की घोषणा, बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अजयबीनाथ धाम के सम्मान में बदलने की घोषणा की गई है, और ये घोषणा बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने ये घोषणा कर दी। स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को भागलपुर नगर परिषद द्वारा इसको मंजूरी दी जा चुकी है। तो याद रखना कि बिहार का जो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब है हिंदू तीर्थ स्थल अजयबीनाथ धाम के सम्मान में रखा जाएगा। चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो बोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये देखो, ऑप्शन देखो, मैंने बड़े गजब के ऑप्शन बनाए आपके लिए। तो चौथे एलजी कप हॉर्स, हॉर्स का मतलब देखो घोड़ों की एक यहाँ पर टूर्नामेंट किया जा रहा है, ये पोलो 2024 का टूर्नामेंट हो रहा है, ये हो रहा है द्रास के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहां पर हो रहा है? ये देखो, पीछे पहाड़ियों के अंदर आपको बड़ा गजब दृश्य दिखाई दे रहा होगा, द्रास, नाम सुना होगा आपने द्रास। तो लद्दाख के द्रास में चौथे एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट का उद्घाटन है किया गया। तो उद्घाटन चौथा एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा द्वारा द्रास के गोसन में स्थित नवनिर्मित पोलो स्टेडियम में उद्घाटन किया गया है। तो बीडी मिश्रा द्वारा, जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर हैं बीडी मिश्रा, उनके द्वारा द्रास के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। आयोजन, इस कार्यक्रम का आयोजन युवा सेवाएं और खेल विभाग और यूटी लद्दाख द्वारा इसका आयोजन किया रहा है। यूटी का मतलब है वहां का उपराज्यपाल होता है। जो टूर्नामेंट का उद्घाटन द्रास के गोसन में स्थित पोलो स्टेडियम में हुआ, जो लद्दाख का एक महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल है माना गया। तो ये बड़ी गजब की तरीके से चीजें याद है कर लेना। 4 अक्टूबर 2024 को एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन MACA का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 4 अक्टूबर 2024 को एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन है MACA का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया लद्दाख के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पर किया गया, लद्दाख के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। देखो, 4 अक्टूबर 2024 को एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन, अब इसकी फुल फॉर्म याद रखना, MAC की मेजर एटमोस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। इस वेधशाला का उद्घाटन लद्दाख के अंदर किया गया। 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित MCA एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन है मानी गई, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन ये मानी गई। ध्यान रखना, पक्का टपके एग्जाम में। इस दूरबीन का निर्माण भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से इसका विकास है किया गया। तो कहां पर है? लद्दाख के अंदर। रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक का क्या नाम है? आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, गजब तरीके से पढ़ लेना। तो रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक है स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म। क्या है? स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये इनकी रामचंद्र गुहा की नवीनतम है पुस्तक है। ये देखो, तस्वीर में आप देख सकते हो और पुस्तक के वगैरह गजब तरीके से पढ़ देना। तो प्रख्यात इतिहासकार और बुद्धिजीवी हैं रामचंद्र गुहा, ये भारतीय इतिहासकार और सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं जो विशेष रूप से महात्मा गांधी के जीवनी कार के रूप में प्रसिद्ध है माने गए। तो महात्मा गांधी के जीवनी कार के रूप में ये प्रसिद्ध माने गए हैं। भारतीय पर्यावरणवाद में योगदान, रामचंद्र गुहा को भारतीय पर्यावरणवाद के क्षेत्र के रूप में एक अग्रणी व्यक्ति माना जाता है। तो पर्यावरणवाद के व्यक्ति के रूप में इनको जानते हैं, और इनकी नवीनतम पुस्तक का नाम
स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, ये इनकी पुस्तक है जो भारतीय पर्यावरणवाद और पारिस्थितिकी की समझ को बढ़ावा देती है। तो ये इनकी नई पुस्तकें आ चुकी है। अर्जुन एरिगेसी ने अपनी लाइव रैंकिंग में किस दो अमेरिकी शतरंज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है? अर्जुन एरिगेसी ने अपनी लाइव रैंकिंग में किस दो अमेरिकी शतरंज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा? तो ये दो अमेरिकी खिलाड़ी हैं, एक है हिकारू नाकामुरा और एक है फेबियानो करुआना। इन दोनों अमेरिकियों को अर्जुन एरिगेसी ने लाइव रैंकिंग के अंदर दो अमेरिकी शतरंज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है। तो बड़ा गजब का है ये, देखो तस्वीर में भारतीय खिलाड़ी हैं अर्जुन एरिगेसी। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। देखो लाइव रैंकिंग में इनका दूसरा स्थान रहा था, तो 7 नवंबर 2024 को अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज की लाइव रैंकिंग में दुनिया का नंबर दो स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पे है मैग्स कार्लसन, मैग्स कार्लसन पहले स्थान पे है। दो नंबर पे है अर्जुन एरिगेसी लाइव रैंकिंग के अंदर। अर्जुन की लाइव रैंकिंग 2805.8 तक बढ़ गई। उन्होंने अमेरिका के फेबियानो रकरुआना 2805.0 और हिकारू नाकामुरा 2802.0 को पीछे छोड़ा है। तो मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि 2800 का आंकड़ा का पार करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी बन गए। अर्जुन ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में अलेक्सिस सराना को हराया, जिसके बाद उनकी रैंकिंग में वृद्धि हुई और अर्जुन के आगे अब केवल मैक्सन कार्सन है जिनकी रैंकिंग 2831 है। याद रखना अब दो नंबर पे आ चुके हैं। शिव नादर ने 2024 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी की उपाधि प्राप्त की है, वह किस कंपनी के संस्थापक हैं? शिव नादर ने 2024 में भारत के सबसे बड़े परोपकारी की उपाधि प्राप्त की, किस कंपनी के संस्थापक है? तो HCL टेक्नोलॉजी के। ये देखो तस्वीर में अभी 2024 में इन्होंने भारत का सबसे बड़ा परोपकारी की उपाधि प्राप्त किए, तो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक। तो एडेल गिव हुरून इंडिया फिलेथ्रोपी लिस्ट 2024 से पता चला कि भारत भर में परोपकारी योगदान के प्रेरणादायक वृद्धि हुई। यहाँ पर 200 से अधिक परोपकारी लोगों ने लगभग 8783 करोड़ का दान है। ये देखो 8783 करोड़ का दान किया है, कितनी बड़ी गजब की बात है। HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नादर ने 2024 में 2153 करोड़ रुपए का दान देकर एक बार फिर भारत के सबसे बड़े परोपकारी की उपलब्धि हासिल की। इस पॉइंट को स्टार लगाना, कितनी 2153 करोड़ रुपए। इन्फोसिस की सह संस्थापक रोहिणी नीलेकणी ने 2024 में 154 करोड़ रुपए का दान देकर भारत की सबसे बड़ी सबसे उदार महिला परोपकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब देखो पुरुषों का मैंने बता दिया शिव नादर है, और महिला की बात आए तो यह इन्फोसिस की सह संस्थापक रोहिणी नीलेकणी, इन्होंने 154 करोड़ रुपए का दान देकर महिला परोपकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। तो दोनों के दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यह है टेलीग्राम ग्रुप, कोई सूचना आती है कोई लिंक आता है, लगभग 15,000 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। कोई सूचना कोई लिंक वगैरह आएगा तो सब आपको सूचना मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 नवंबर 2024 को किस शहर में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? तो ये किया है ब्रिस्बेन में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबैक्स 2024 अभ्यास की शुरुआत कहाँ हुई? चंडीगढ़, दिल्ली, अम्बाला, पुणे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी शुरुआत आप अच्छे तरीके से बताना, गजब तरीके से। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यूआरओ की दी जा रही है, करंट अफेयर्स है, पीडीएफ वगैरह सब आपको दी जा रही है, और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग की मेरी क्लासें आपको दी जा रही है। कल मैंने मार्च 2024 का संपूर्ण निचोड़ दे दिया और आज शाम को तैयार रहना, अप्रैल 2024 का निचोड़ आपको मिलेगा। गजब तरीके से पढ़ लेना। ऐसे जैसे झाड़ लगा के छाण छाण के क्वेश्चन आते हैं, गजब तरीके से मैंने छाण छाण के मैंने न्यारे कर दिए, जो आपको क्लास गजब तरीके से मैं करवा रहा हूँ, क्या अलग से मैंने कर दिए सब कुछ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।